हेलो एवरीवन, फ़ोटो देख के आप समझ गए होंगे कि हम आज क्या बना रहे हैं। महाराष्ट्र की फेमस डिश कांदा भजी। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, अब हम इसको काट लेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा मोटा या पतला नहीं काटना है, मीडियम साइज ही रखनी है। देखो इतने हम सारे प्याज को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें डालेंगे नमक, आधा चम्मच मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। ये देखिए 15 मिनट बाद हमारे प्याज को अच्छे से पानी छूट गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ और थोड़ा सा अजवाइन, इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम चने का आटा। दोस्तों हमें चने का आटा उतना ही डालना है जितना कि प्याज एब्जॉर्ब कर सके, उससे ज़्यादा नहीं डालना है वरना वो ड्राई हो जाएगा। इसमें हम और चने का आटा डालेंगे और इसे अच्छे से वापस से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, अब ये रेडी है। हम इसे ढककर जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक रख देंगे। यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और गैस ऑन करके तेल को गर्म करेंगे। देखिए हमें तेल को अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद ही हमें पकोड़े तलने हैं। अब कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने गैस स्लो टू मीडियम आंच पर रखी है, उसके बाद मैं अब इसमें पकोड़े तलूंगी। देखिए तेल गर्म हो जाने के बाद हमें गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम आंच पर ही रखनी है, नहीं तो जैसे ही आप पकोड़े डालोगे अनियन के वो जल्दी से जल जाएंगे, वो अंदर से कच्चे रहेंगे, सिर्फ बाहर से पकेंगे और हमारे जो कांदा भजी है वो अच्छे से क्रिस्प नहीं बनेगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें पकोड़े को तलने के लिए पहले हमें गरम ऑयल अच्छे से कर लेना है, उसके बाद हमें स्लो टू मीडियम आंच पर गैस की फ्लेम रख के फिर पकोड़ों को आगे तलना है। अब जब तक हमारे पकोड़े बनते हैं तब तक हम मिर्ची को कट लगा लेते हैं। मिर्ची को कट इसलिए लगाते हैं ताकि उसमें से एयर बाहर निकले। जब हम इसमें इसे गरम तेल में डालेंगे तो ये अच्छे से तलेंगे और बाहर कढ़ाई के जम नहीं करेंगे। ये देखिए अब हमारे पकोड़े लगभग बनने को है। इसे और 2 मिनट के लिए रखेंगे हम और ऐसे ही हिलाते रहेंगे इसको ताकि अच्छी तरह से सारी तरफ से अच्छे से कलर आ जाए। ये देखिए हमारे पकोड़े बन के रेडी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और कलर भी बहुत अच्छा आया है और पकोड़े एकदम क्रिस्प बन के रेडी है। आप ट्राई करें। अब हम मिर्ची तलेंगे। मिर्ची तलने के लिए पहले तेल अच्छे से गरम कर लेना है, उसके बाद ही हमें उसमें मिर्ची डालनी है। ठंडे या सिर्फ थोड़े से गरम ऑयल में हमें मिर्ची नहीं डालनी है। ये देखिए अब मैं मिर्ची पर थोड़ा सा नमक डाल लूँगी और उसे अच्छे से मिर्ची पर कोट कर लूँगी। ये देखिए हमारी भजिया अंदर से क्रिस्प बनी है। तो आप भी घर पर बनाइए और एंजॉय करिए कांदा भजी। थैंक यू।